आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के क्वेश्चन मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटलेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400। टू सिरिंजेस ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस, दो सिरिंजेस जिसका दोनों का क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है, फिल्ड इन विद वाटर, वाटर उसमें फिल किया गया है एंड आर कनेक्टेड टाइटली, फिटेड विद अ रबर ट्यूब, रबर ट्यूब से हम लोग फिट कर दिए हैं, फिल्ड विद वाटर तो उसमें वाटर फिल्ड है, रबर ट्यूब में वाटर फिल्ड है, डायमीटर ऑफ द स्मॉलर पिस्टन, डायमीटर ऑफ द स्मॉलर पिस्टन एंड द लार्जर पिस्टन दी हुई है, दोनों का डायमीटर दिया हुआ है लार्जर और स्मॉलर का। फाइंड द फोर्स ऑन द लार्जर पिस्टन, जो फोर्स लगेगा लार्जर पिस्टन में जब हम लोग फोर्स लगाएंगे 10 न्यूटन स्मॉलर पिस्टन में, अगर हम 10 न्यूटन स्मॉलर पिस्टन में फोर्स लगाएंगे तो लार्जर पिस्टन में क्या फोर्स लगेगा। एंड द स्मॉलर पिस्टन इज पॉज्ड इन थ्रू 10 सेंटीमीटर, अगर स्मॉलर पिस्टन को रोक दिया जाए थ्रू 6 सेंटीमीटर, हाउ मच लार्जर पिस्टन मूव आउट, अगर 6 सेंटीमीटर दबा के उसे छोड़ दिया जाए तो लार्जर पिस्टन कितना ऊपर जाएगा, लार्जर पिस्टन कितना बाहर जाएगा, इसे हमें फाइंड करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये हमारा लार्जर पिस्टन है और ये हमारा लार्जर पिस्टन हो गया और ये हमारा स्मॉलर पिस्टन हो गया। तो जैसे ही हम लोग इस पर कुछ फोर्स लगाएंगे, जैसे ही हम लोग अगर स्मॉलर पिस्टन में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ना हमें लार्जर पिस्टन में कितना फोर्स लगेगा, अगर हम इसमें 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, इधर अगर हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो ये कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा, ये कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा। तो हमें पता है कि प्रेशर दोनों का सेम रहता है, प्रेशर मेंटेन करके रखता है। तो जो प्रेशर है, तो पहले पार्ट का क्वेश्चन का आंसर है इस टाइप से बनाएंगे कि प्रेशर, इसे अगर हम ए मान लेते हैं, इसे अगर बी मान लेते हैं, तो प्रेशर एट ए जो होगा वो होगा प्रेशर एट बी, तो प्रेशर एट ए जो होगा वो हमारा हो जाएगा एफ ए अपॉन एरिया ऑफ ए स्मॉलर पिस्टन, अब फोर्स अपॉन एफ बी अपॉन एरिया ऑफ लार्जर पिस्टन। तो हमारा जो फोर्स दिया हुआ है स्मॉलर पिस्टन में, वो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 न्यूटन, एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ स्मॉलर पिस्टन हो गया तो पाई आर ए का स्क्वायर इंटू पाई आर बी का स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा फोर्स जो एग्जर्ट करेगा लार्जर पिस्टन। तो हमारा रेडियस हमें पता है, जो हम लोग एफ बी जो आएगा वो हो जाएगा 10 न्यूटन, ये हमारा आर बी अपॉन आर ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जैसे ही हम लोग आर बी और आर ए को पुट करेंगे, आर बी हमारा हो गया 3/2 एंड आर ए हो गया हमारा 1/2, जैसे हम लोग इसको पुट करेंगे तो हमारा जो फोर्स आएगा वो आ जाएगा 90 न्यूटन। तो हम लोग 10 न्यूटन का फोर्स लगा के हम लोग 90 न्यूटन का फोर्स एग्जर्ट करवा सकते हैं, जस्ट बिकॉज अगर हम लोग एरिया चेंज कर लेते हैं तो फोर्स चेंज हो जाता है, अगर हम एरिया रिड्यूस कर देंगे तो फोर्स प्रेशर ओवरऑल बढ़ जाता है, इसके कारण हम लोग ज़्यादा फोर्स निकाल सकते हैं, ज़्यादा फोर्स एग्जर्ट करवा सकते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है कि ना लार्जर पिस्टन को अगर हम 6 सेंटीमीटर पाव मतलब डाले हैं तो वो स्मॉलर पिस्टन को 6 सेंटीमीटर इन किए हैं तो लार्जर पिस्टन कितना बाहर आएगा। इसे सॉल्व करने का सबसे सिंपल उपाय है कि हमें वॉल्यूम तो ओवरऑल पानी जो होगा स्मॉलर पिस्टन, स्मॉलर सिरिंज और लार्ज सिरिंज और पाइप को मिला के वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर हम स्मॉलर सिरिंज में 6 सेंटीमीटर इन करते हैं तो लार्जर पिस्टन में, लार्जर सिरिंज में वो बाहर आ जाएगा, तो जो वॉल्यूम है वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। सेकंड का मेन फंडा है सॉल्व करने का, वो है वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। तो हमें जो 6 सेंटीमीटर इन किए हैं स्मॉलर पिस्टन में वो है हमारा पाई आर बी को हम आर बी आर ए, ए हमारा स्मॉलर है अब बी हमारा लार्जर है, तो ए हमारा स्मॉलर तो ये हमारा हो जाएगा पाई आर ए स्क्वायर इंटू 6 सेंटीमीटर इनसाइड गया ये तो 6 सेंटीमीटर ये हमारा जितना हम इन किए हैं पॉज्ड इन, जितना ये हमारा अंदर गया है पॉज्ड इन इतना है
जो हमारा एग्जर्ट होगा वो होगा लार्जर पिस्टन में पाई आर बी का स्क्वायर इंटू एक्स। अगर एक्स हमें एक्स हमारा हो गया कि जितना वो लार्जर पिस्टन में मूव आउट किया है, ये हमारा हो गया जितना वो मूव आउट किया है, तो हमारा आर बी हमारा लार्जर पिस्टन हो गया, आर ए हमारा स्मॉलर पिस्टन हो गया, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो एक्स जो होगा वो हो जाएगा हमारा 6 आर ए अपॉन आर बी का स्क्वायर। तो हमारा हो गया 6 आर ए, हमारा क्वेश्चन में गिवन है आर ए जो है हमारा वो मेरा स्मॉलर पिस्टन है, तो स्मॉलर पिस्टन दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, 1/3, 1/3 का स्क्वायर, तो एक्स जो आएगा 3 9 6/9, ये हो जाएगा हमारा 2/3 सेंटीमीटर, ये इन होगा। तो इसे शो कर रहा है ये कि अगर हम जितना 6 सेंटीमीटर अगर हम स्मॉलर ब्लॉक में इन करते हैं, स्मॉलर सिरिंज में अगर हम 6 सेंटीमीटर स्मॉलर सिरिंज में अगर यहाँ था पानी, अगर हम इसे 6 सेंटीमीटर इन करते हैं, 6 सेंटीमीटर अंदर ले जाता है, तो ये जो लार्जर पिस्टन होगा, लार्जर पिस्टन में ये 2/3 सेंटीमीटर अप आ जाएगा। इसे ये शो कर रहा है।